एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमान तमाम इदारों की माँ समझा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और कल पार्लिमान के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के अहाते में लोगों को पकड़ने के लिए, MNAs को गिरफ्तार करने के लिए, अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी या उसके पर्सनल अंदर घुसते हैं, तो इससे ज़्यादा बेतुकीरी उस इदारे की नहीं हो सकती। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम ये कर रहे थे लाइव, उस वक्त ये छापे पड़ने शुरू हुए। पहले एक खबर आई, फिर दूसरी खबर आई, और फिर ये पूरी रात खबर चलती रही। और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतल्लिक कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत ही नामनासिब उनका अंदाज़े गुफ्तगू था, मैंने उनकी मजम्मत की जो कुछ उन्होंने मीडिया के मुतल्लिक कहा, वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिए, कुछ एंकर्स के लिए कमेंट किए, वो काबिल एतराज़ था। लेकिन एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस अगर 8 घंटे के लिए फेडरल कैपिटल से लापता हो जाए, या उसको कहा जाए कि वो जबरी गुमशुदगी है, उसकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको पहले जबरी गुमशुदगी कह रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या एक ये डेमोक्रेटिक महजब माशरा जो है उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक चीफ मिनिस्टर फेडरेशन के अंदर आके तो गुम जाए, लापता हो जाए, या उसके घर वाले या उसके पार्टी के लोग कह रहे हों कि हमारा उससे रबता नहीं, और फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से उनकी बाजियाबी हो और पता चले वो अब KP पहुंच गए, और उसके बाद से अभी तक अपनी वो रूनमाई उन्होंने कैमरा स्क्रीन के ऊपर करवानी है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। पाकिस्तान को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, शायद इससे ज़्यादा बड़ा गड़ा उसके लिए नहीं खोदा जा सकता जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अली मीन के ऊपर तनकीद हमने कल भी की थी, हो सकता है मैं 4 दिन और करता रहता कि उसकी गुफ्तगू ये दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आज मुझे अली मीन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे डिसअपियर आप नहीं कर सकते। ये इन्फोर्स डिसअपियरेंस है। उसको बाद में कहा गया कि ऐसी जगह पर था जहाँ जैमर्स थे और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब पाकिस्तान में मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल के ऊपर उसका व्हाट्सएप और सिग्नल चल रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो एब्सेंट हो और उसका रबता ही ना हो, और उसका स्टाफ ही सारा टोटली डिस्कनेक्ट हो, पूरी उसकी पार्टी कह रही हो कि हमारा उससे रबता नहीं है, और फिर सुबह नमाज के वक्त अचानक वो कहीं से बरामद हो जाए और सारे खामोशी से पीछे हट जाए? ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता वो होगा जहाँ पाकिस्तान के बड़े आपस में एक दूसरे को इंगेज करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नहीं तो ये टकराव किसी दिन एक ऐसे एक्सीडेंट पे मुंतज होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, और ये मेरा अंदेशा है जो कुछ हालात जिस तरह चल रहे हैं कि हम किसी एक्सीडेंट के बाद शायद हमें संभलने का मौका ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के पाँव खड़े करने का मौका मिलता है। उससे पहले अगर अपने आप को संभालना हो तो उसके लिए दानिशमंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दोनों अभी तक नापैद नज़र आती हैं। लाठी से 25 करोड़ लोग नहीं चलते। हम लाठी से हांकने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अंजाम क्या होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ असद अली आज़ाद साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, अजमा बुखारी हैं वज़ीर इत्तला'आत पंजाब, सलमान नकम राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का, पहले तो ये बताएँ अली मीन कहाँ थे और वापसी कैसे हुई? जी देखिए, मेरी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। उनको मदु किया गया था हुकूमती एक इदारे की जानिब से गुफ्तगू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अब गुफ्तगू दूर कर गई, कुछ नज़रियात थे दोनों फरीकैन के कि कैसे हमने मामलात को आगे बढ़ाना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और मैं आपको बताऊं, शायद हमें इल्म नहीं है कि कितने मख्तूश हैं हालात खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। ये अंदाज़ा मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू के बाद हुआ। तो वहाँ हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि उनके हवाले से तमाम इदारों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू तवालत पकड़ गई, और आपका ये कहना भी वजह है कि किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल रब्ता कट जाए अपने अमले से, अपनी पार्टी से, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको मबूस रखा गया या वो अगवा हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो गए, उन्होंने अपनी बात की, ये गुफ्तगू कुछ घंटे जारी रही, और उसके बाद वो अपने अमले के साथ गए। लिहाजा ये मामला एक पुरेसरार रंग पकड़ गया, ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो अगवा हो गए हैं, शायद उनको कहीं मबूस कर दिया गया है, ऐसा नहीं था। ये गुफ्तगू थी एक मखसूस जगह पे जिसने तवालत पकड़ी। लिहाजा मैं ये जो एक तासुर है कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, उसको दूर करना चाहूँगा। कोई नारवा सलूक नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल वसूख से अपनी बात की, और बाज मामलात पे आगे सलमान नकम राजा साहब, जो मामला मखसूस अदारे में जहाँ वो गए,
मैं एक वफाकी वजीर से अभी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से गए, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। क्या अली अमीन अपनी मर्ज़ी से रजामंदी से गए और रजामंदी से कोई मसाइल तो नहीं उनको हुए? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी रजामंदी से गए। और देखिए, ये तो मामलात में यही अर्ज कर रहा था, एक सूबे के वजीर आला और तमाम जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं, उन्होंने जाहिर है मिलकर सूबे के मामलात को देखना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने फैसले करने हैं कौन सा काम पुलिस करेगी, कौन सा काम कोई दीगर इदारा करेगा, उनका आपस में बाहमी तआवुन क्या होगा। तो ये मामलात ऐसे हैं जिन पे एक सूबे के वजीर आला को सियासत से हटकर एक राबता और गुफ्तगू रखनी पड़ती है। ये उस नौयत की गुफ्तगू थी, इसको एक रंग मिल गया जो सियाको सबाक था, चूंकि मामला हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उस तनाजुर में ये लगा कि जैसे अली अमीन को भी शायद आपने महफूज कर दिया पार्लियामान गया है, पे ऐसा नहीं है हमला क्यों कहा? आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि पार्लियामान पे हमला हो रहा था? कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। देखिए, अब ये दो अलहदा बातें हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हुआ मेरी नजर में पाकिस्तान की तारीख का एक ये शर्मनाक तरीन वाकया है। देखिए, हमने 9 मई के हवाले से तो बहुत तासुफ किया, अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। इमरान खान का जेल में मीडिया इंटरेक्शन भी था और मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने 3-4 बातें, राजा साहब आपसे इसका जवाब मैंने लेना है, पार्टी में अब कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, ये इमरान खान ने कहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, ये धोखेबाज हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की, उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को सुबह 7 बजे इन्होंने पैगाम देकर भेजा था। हमारे 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे। 8 सितंबर के जलसे की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, ये भी इमरान ने कहा। सर, आपके पास इसका कोई वाज़े जवाब है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन क्या बात कर रहा था और अब क्यों बात नहीं होगी? कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जिससे शुरू हुई थी बात और किस चीज़ पे आके टूटी? देखिए, आज का ये जो बयान आपने पढ़ा इमरान खान साहब का, इससे इस बात की तो हतमी तौर पे नफी होती है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके हुकूमत लेना चाहती है, ये चाहती है कि उनका साथ छोड़ दें, हमें अपना लें। ये एक रण है जो बेचा जाता है कि यह जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रही, सिर्फ उनकी पुश्तपनाई हासिल करने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल लागवर गलत बात है। इमरान खान साहब ने आज इसकी वजाहत कर दी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जाहिर है गुफ्तगू होती है, जैसा कि मैंने कहा, एक वजीर आला जब एक सूबे को चलाता है तो उसका ताल्लुक तो पैदा होता है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट आकर ये कहे कि जी बहुत यहाँ इंतशार का खदशा है, मजहबी जमातें भी अपना एक एक जलसा कर रही हैं, क्रिकेट मैच भी है, हमें इंटेलिजेंस की दीगर इस्टेब्लिशमेंट से मालूमात कौन हैं, कौन तो इंटरेक्ट करता था पार्टी से? देखिए, एक तो फॉर्मल सतह पे जो हुकूमत है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी हुकूमत है, तो जाहिर है हुकूमत जो है वो इंटरेक्ट करती है, हर सतह पे करती है, वो दीगर जो सिविल इदारे हैं उनसे भी करती है, जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी करती है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये सूबा जो है बहुत इस वक्त एक यलगार से मुतासर हुआ है। अंडरस्टैंडेबल है, अली अमीन कर रहे जो होंगे, होम मिनिस्टर कर रहे होंगे, और इसके अलावा कौमी असम्बली से या पार्टी हेड के तौर पर कौन कौन उनसे इंटरेक्ट करता था पीटीआई तहरीके इंसाफ की तरफ से? वजीर आला का यकीनन इंटरेक्शन रहता है और बतौर वजीर आला आइंदा भी रहेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासी सतह पे हमें ना उनकी पुश्तपनाई चाहिए, ना हम उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं। ये वो गुफ्तगू है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने राजा किया, साहब 22 अगस्त को यही हुआ राजा साहब, लेकिन इमरान ने कहा कि हमारे 5 से 6 लोग रबते में थे। मेरा तो सवाल यह है कि वो 5 से 6 लोग जो रबते में थे वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या डिस्कस करते थे? कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी ना टेबल पे सामने कि ये चीज़ें कर लें तो माहौल दुरुस्त हो सकता है, वो क्या चीज़ें थी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ आपस में इकदाम तय किए थे या नहीं किए थे? देखिए, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है, हम कोई किसी एक फरेब की दुनिया में शायद रह रहे हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते कि जो इलेक्शन के साथ हुआ ये कैसे हो गया, जो अदालतों पे दबाव है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा, जो एक जज की डिग्री कैंसिल हो गई, ये सारा कुछ एक मजबूत अमल है। और जो इस अमल के पीछे है, जाहिर है उससे हमें ये बात करनी है कि खुदारा ये करना छोड़ दो, हमारा इसके अलावा कोई तकाजा नहीं है। पार्टी की किस तरफ नहीं से, चाहते कि वो पार्टी की तरफ से ये बातें कौन डिस्कस कर रहा था? क्योंकि अली अमीन तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरे इलेक्शन में क्या हो रहा है या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने क्या कहा है, ये सारी बातें उनकी डोमेन से बाहर है। पार्टी की तरफ से ये चीजें कौन डिस्कस करता था इस्टेब्लिशमेंट से?
जी ज़ाहिर है, आज़म स्वाती साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उस दिन उनकी गुफ्तगू हुई। देखिए ऐसे नहीं होता कि कोई ये मुस्तकिल राबता है, गुफ्तगू मुख्तलिफ इशूज़ पे, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ लोगों की होती है, वो खुद बल्कि गुफ्तगू वहाँ से शुरू की जाती है। इस हवाले से यही हुआ कि 22 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू शुरू की इस्टेब्लिशमेंट ने और कहा हमारी इतलात के मुताबिक गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने आज जलसा किया। इमरान खान साहब ने रियासत के मुफाद में फैसला किया कि आज नहीं करते, इसको आगे ले जाते हैं। अब हमारा मौकफ ये है कि आगे ले जाने के बावजूद हमें जलसा नहीं करने दिया गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, लोगों को उठाया गया जलसे से पहले के कुछ दिनों में, और फिर हमारे ऊपर ये इल्जाम की बारिश कर दी गई। एक कानून लफ्ज नौत का बनाया गया एक दिन पहले के 7 बजे से आगे जलसा जाएगा तो ये एक फौजदारी जुर्म होगा। ये तमाम वो माहौल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम समझते हैं हमें धोखा दिया गया, हमें ये कहा गया था कि अगर आप मुल्क की मुफाद में 22 अगस्त को जलसा नहीं करते तो 8 सितंबर को आपको आजादाना एक जलसा करने दिया जाएगा, तो ये वो तनाजुर है। लिहाजा ये बात बिल्कुल अब वाज़े है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पार्लियामान आज़ाद हो, पार्लियामान के लोगों को, हम पार्लियामेंटेरियंस को अगवा ना किया जाए, उनसे ज़बरदस्ती आइनी तरामीम के हक में वोट ना दिलवाया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जिन पे हम तकाजा करते रहेंगे, अपना मौकफ बयान करते रहेंगे, ये कोई डील की बात नहीं है। हम उनको कह रहे हैं आइन और कानून के रास्ते से हट जाओ।